दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन में अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा कूपन कोड अप्लाई करना है जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग फीस कम हो जाए। तो यहां पर जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं अप्लाई कूपन कोड लिखकर आता है और यहां पर कौन सा कूपन कोड अप्लाई करना है KBD100 हमें आपके लिए अप्लाई करना है। आपकी प्रोसेसिंग फीस है 100% यहाँ पर जीरो हो चुकी है। तो इसी प्रकार से इस कूपन कोड को अप्लाई करना है और कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपके लिए क्या करना होगा, आपके लिए कूपन कोड के सेक्शन में आ जाना है और आपके लिए मैं बता देता हूं कौन कौन से कूपन कोड अप्लाई करना है। तो यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर जो भी मेरे कूपन कोड है जो यहां पर कंपनी ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं तो उन कूपन कोड को आपके लिए बता देता हूं और एक एक करके आपके लिए अप्लाई कर लेना है। जैसे कि यहां पर मेरे केस में 50% ऑफ का एक कूपन कोड यहां पर भेजा है इनने AIM050, यहां पर अप्लाई करना है। अगर आपका अप्लाई हो जाता है दोस्तों तो अच्छी बात है, अगर अप्लाई नहीं होता है तो दूसरा कूपन कोड अप्लाई करना है। एक एक करके अप्लाई करके देख लेना है क्योंकि दोस्तों हर एक अकाउंट में अलग कूपन कोड अप्लाई होता है। तो मेरे केस में यहाँ पर जो मेरे कूपन कोड आए हुए हैं अगर इनमें से कोई आपका अप्लाई हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ऑलरेडी इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे कूपन कोड के बारे में बता चुका हूँ, उन वीडियो को देख कर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कूपन कोड की बात करते हैं तो यहाँ पर 40% ऑफ का है, यहाँ पर HUGE 40%, तो यहाँ पर इस सबको अप्लाई करना है, अप्लाई करके देख लेना है। इसके बाद फुल 50 अप्लाई करना है, इसके बाद यहाँ पर रॉक 60 अप्लाई करना है, इसके बाद यहाँ पर स्टार 75 अप्लाई करना है। अगर अप्लाई हो जाता है अच्छी बात है, रॉक मतलब कि 60 और यहाँ पर फुल 50 और यहाँ पर KBD100 मैंने आपके लिए अप्लाई करके दिखाया था, 100% मेरी कम हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर FEW100 अप्लाई करना है, अगर कम हो जाती है अच्छी बात है। और दोस्तों मार्च का मंथ चल रहा है और हर मंथ का कूपन कोड कैसे अप्लाई किया जाता है मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं और अप्लाई करके आप आसानी से अपनी प्रोसेसिंग फीस को कम कर सकते हैं। तो जो दोस्तों मार्च के मंथ के मैंने सारे कूपन कोड आपके लिए बता दिए हैं और वैसे भी जो कूपन कोड हमेशा चलते रहते हैं तो आपके लिए एक करके अप्लाई करके ज़रूर देखना है। और आपकी अगर प्रोसेसिंग फीस कम हो जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आपकी अगर प्रोसेसिंग फीस कम नहीं हो रही है तब भी आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड करा दूंगा और अदर सारे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।